हैपन दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग एमएसटी सीईटी का कैप राउंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं टॉप कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपका जो मेरिट रैंक आएगा उसके हिसाब से रैंक बताने जा रहे हैं हम। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल के थ्रू आपको सारा अपडेट सही समय पर मिलते रहेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपको गाइडेंस चाहिए वन टू वन उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा हम इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियो के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं 6 साल से, तो इस चैनल के थ्रू भी करेंगे। हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल है तो इस चैनल पर आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माई इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सेफ रैंक सारे कैटेगरी के लिए, सी एस ई सी आई टी लोअर ब्रांच सारे डिस्कस करेंगे और कैटेगरी वाइज जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी और एस सी एस टी तक का। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। तो कट ऑफ जो इस साल रहने वाला है लास्ट राउंड तक जाते जाते, अगर आप अच्छा ब्रांच चाहते हैं अपने रैंक पे या अच्छा कॉलेज तो आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग सही से करना होगा, तभी आपको बेस्ट मिल सकेगा, फर्स्ट राउंड में आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। तो वालचंद का बात करें सी एस 1500 और 2500, सी एस आई टी अलोअर 18,000 तक मिल जाएगा आपको सी डी है फाइनल मेरिट रैंक के हिसाब से रैंक। ई डब्ल्यू एस 1700 2700, सी एस आई टी और लोअर जो है वो 20,000 रैंक तक मिल जाएगा। ओ बी सी 2100 और 2900, सी एस आई टी लोअर 21,000 तक हो जाएगा। एस सी 7 और 9,000, सी एस आई टी लोअर का मतलब है सिविल मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कुछ भी कोई भी ब्रांच लेके बस कॉलेज में चले जाना है किसी तरह से। तो हाईएस्ट जो रैंक होना चाहिए कि इतना कम से कम इतना तक आपका रहना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा होगा तो पॉसिबल कम है मिलना। एस सी के लिए बात करें 7 9 35, एस टी के लिए 16 33 और 82,000 तक मिल जाएगा सी एस आई टी एंड लोअर रिस्पेक्टिवली। इसके बाद बात करते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो जनरल 80,000 जो है सी एस आई टी तक के लिए, ई सी 1,40,000, लोअर 2,70,000। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जनरल 2,200, पॉलीमर के लिए 5,000, लोअर के लिए 18,000 तक मिल जाएगा लास्ट राउंड तक। ओ बी सी 6,000 और 25,000, एस सी 18 30 और 45,000, एस टी 27 75 और 1,10,000। इसके बाद बात करते हैं राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जनरल 25 36 73,000, ई डब्ल्यू एस 30 49 90,000, ओ बी सी 34 56 93,000, एस सी 74 एंड 1,00,000। अब बात करते हैं आगे के जे सौम्या 1,50,000 48,000 8,000, ये सी एस ई सी लोअर के लिए। फिर श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए 6 7,000, जनरल के लिए सी एस आई टी ई सी 20,000, लोअर 45,000 और सी एस सी स्पेशलाइजेशन 12,000 रैंक तक मिल जाएगा, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस या एम एल ये सब ब्रांचेज आते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा। इससे कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए या नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विथ बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा सी एस एफ बी जैक वैली जैक चंडीगढ़ एम एस सी सी टी वी आई टी मणिपाल कॉमेड के ए ट्रिपल ई जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग डिसीजन मेकिंग फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4 5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किस में लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। अब वी आई टी पुणे का बात करें तो 2,500 3,000 सी एस आई टी के लिए, ई सी 7,000 लोअर 20,000, स्पेशलाइजेशन जो है वो सी एस का 5,000 तक मिल जाएगा। ओ बी सी का बात करें 3 और 3,500 सी एस आई टी के लिए, ई सी 17,000 लोअर 51,000, एस टी 26 38,000 सी एस आई टी के लिए, ई सी 80 और लोअर 1,00,000। अब बात करते हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, जनरल 500 1,000 और 2,500, ये हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी के लिए 2,000 2,500 3,500, एस सी 7,000 8,000 13,000, एस टी 22,000 25,000 40,000। डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का बात करें तो जनरल 2,500 7,000 40,000, सी सी स्पेशलाइजेशन का बात करें वो 5 से 6,000 तक मिल जाएगा आपको जनरल के केस में, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस या एम एल डेटा एनालिटिक्स ये सब ब्रांच आते हैं। ओ बी सी का बात करें 2,700 8,000 और 50,000 रैंक ये लोअर ब्रांच के लिए, 50 है ये 5 नहीं 50,000 है, मिस्टेक है टाइपिंग। और फिर एस सी के लिए 6,000 17,000 60,000, एस टी के लिए 30 70 1,00,000। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के लिए तो 450 800 10,000, सी एस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लोअर। ओ बी सी का बात करें ये 500 है सी एस के लिए, 4 नहीं 500 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1,100 और लोअर के लिए 15,000। एस सी के लिए 2,500 5,000 18,000, एस टी के लिए 10,000 13,000 90,000। ये हो गया आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के लिए।
अब बात करते हैं डीजे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, तो 1800 3000 सीएसआईटी, ईटी 6000, लोअर 14000, स्पेशलाइजेशन 4000 तक हो जाएगा। पीआईसीटी पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एक्चुअली ये है पीआईसीटी, तो इसमें आपको 1100 रैंक तक सीएसआईटी, 1500 ईटी, 5000 तक। ओबीसी के लिए 1500, 2100, 6000, एससी के लिए 5000, 6000, 17000 और एसटी के लिए 25, 35 और 85000। वीजेटीआई जो कि टॉप कॉलेज है एमएससीटी के अंदर, तो 250 पे सीएसआईटी 400, उसके बाद ईटी के लिए 1100, लोअर 15000, ओबीसी 700, 790, 1500, 22000, एससी 3000, 4000, 9000, 40000, एसटी के लिए 13, 14 जो सीएसआईटी के लिए हो गया, ईटी के लिए 22000 और लोअर आपको 1 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा आप एसटी कैटेगरी से हैं, क्योंकि उसमें डिमांड कम है और लोग कम होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अब कि किस तरह से काउंसलिंग करना है, उसके लिए हम कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं। बीच में हम दिखाए भी आपको सारे काउंसलिंग के लिए कैसे हम गाइड कर रहे हैं, स्क्रीन पे बार बार शो किए हैं क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा मेरे काउंसलिंग में। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू कॉन्टैक्ट करके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। तो उसके बाद 1-to-1 गाइडेंस आपको गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल, डायरेक्ट कॉल एंड व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मिलते रहेगा अभी से एडमिशन तक, ताकि आप अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज ले सकें एमएसटी सीईटी का कैप राउंड काउंसलिंग।